Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी F34 है और आप इस फोन में बनाना चाहते हो स्क्रीनशॉट, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चार डिफरेंट तरीके जिनकी मदद से आप अलग अलग तरह से इस फोन में स्क्रीनशॉट ले पाओगे। इस फोन में थ्री फिंगर से डाउन करने पे स्क्रीनशॉट नहीं मिलता, पर एक अमेजिंग फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट बना सकते हो। इसके लिए क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल को इस तरह से ओपन कीजिए, थ्री डॉट पर जाइए, एडिट बटन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे टेक स्क्रीनशॉट का एक फीचर। सिंपल इसके ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है और जो आपके नीचे कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आपको सेट कर लेना है कहीं भी। इस तरह सेट करने के बाद डन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अब इस फोन में स्क्रीनशॉट चाहिए तो सिंपल उस एरिया में चले जाइए जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। अब जैसे कि सेटिंग में हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो सिंपल अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद टेक स्क्रीनशॉट पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना पाएंगे। मतलब आवाज कम करने वाला बटन और पावर बटन एक साथ दबाना है तो आप इस फोन में स्क्रीनशॉट इस तरह से भी बना सकते हो। अगर आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करने के बाद आपको एक आइकन नजर आएगा यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद ये स्क्रॉल हो जाएगा। जितना आप इसको लॉन्ग करना चाहते हैं उतनी बार इस पर क्लिक करते रहिए, ये लॉन्ग हो जाएगा। आप इस फोन में क्रॉप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, जैसे कि केवल आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हो तो सिंपल नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक करने के बाद इस आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ एडिट वगैरह आप कर सकते हैं, एरो दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये सब आपको सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं।